अस्सलाम वालेकुम क्लास एट। जैसा कि हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.2 कर रहे हैं, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया था, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। हाँ जी, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपने सिंप्लीफाई करना है। आपको नज़र आ रही है दो टर्म्स लिखी हुई हैं और सेंटर में डिवाइड का साइन है। पहले हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, अब हम डिवाइड करना सीखेंगे। हम डिवाइड कैसे करते हैं, हाँ जी, इसमें क्या करना है आपने, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना होता है कि जो बड़ी टर्म है अपने उसे अंदर रखना होता है और छोटे टर्म को बाहर रखना होता है, ठीक है। इस ये डिवाइड कर रहा है इसको, तो इसका मतलब है ये टर्म अंदर आएगी, डिवाइड दिस टर्म तो ये टर्म बाहर जाएगी। अब आपने क्या करना होता है, इसकी डिवीजन थोड़ी सी है समझने वाली, अगर आप लोग फोकस करके एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो इसका मेथड क्या है, इसका मेथड ये है कि आपने ये करना है, बाहर वाली टर्म को एक्स माइनस टू, ये पूरी एक टर्म है, ठीक है, एक्स माइनस टू एक टर्म है, आपने इसको किसी ऐसे नंबर या किसी ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास ना एक्स स्क्वेयर बन जाए। हमने जब देखना होता है, हमने क्या करना होता है कि आपने जो फर्स्ट टर्म होती है ना अंदर वाली वैल्यू में, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे तो एक्स स्क्वेयर है ना, जहाँ भी जो भी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आएगी ना, आपने हमेशा पहले वही बनानी है, ठीक है। यानी कि आपने सोचना है कि हम एक्स माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास पहली जो टर्म है वो एक्स स्क्वेयर बन जाए। तो एक्स माइनस टू को हम एक्स से मल्टीप्लाई करें ना, तो देखें ये एक्स की पावर 1 है और ये एक्स की पावर 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, सेम वेरिएबल की पावर ऐड होती हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, एक्स की पावर 2, फिर प्लस माइनस माइनस 2x आ जाएगा। तो हमने नेक्स्ट वाली टर्म को नहीं देखना कि वो मैच होती है या नहीं होती, सेम आती है या नहीं आती, डजेंट मैटर। आपने जस्ट ये देखना है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर आ रहा है वो सेम आना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x माइनस टू को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने x माइनस टू को x से मल्टीप्लाई किया, जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया आपने वो ऊपर लिखना है और जो आपके पास वैल्यू आई आंसर है का आपने वो नीचे लिखना है। हाँ जी, वो लिखने के बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है सिंपल डिवीजन में भी हम क्या करते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो आपने क्या करना है, इस टर्म में से माइनस करना है इस टर्म को। तो माइनस के लिए आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे। ये प्लस एक्स स्क्वेयर था, माइनस टू एक्स था, प्लस से ये माइनस में आ जाएगा और ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वेयर में से माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगी। हमने ये काम इसीलिए किया था, ये सेम टर्म हमने इसीलिए बनाई थी कि हमारी फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल हो जाए। हम क्या करेंगे, हर स्टेप में यही काम करेंगे कि हमने फर्स्ट वाली टर्म को कैंसिल ज़रूर करना होता है। फिर ये प्लस 1x और प्लस 2x प्लस 3x और माइनस 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया 3x माइनस 6। अब हमने x माइनस 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस 3x बने, ऊपर प्लस 3x है तो नीचे भी प्लस 3x आना चाहिए। तो x माइनस 2 को हम अगर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पहली टर्म प्लस 3x आएगी, प्लस 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 3 1 3x, प्लस माइनस माइनस 3 2 6। तो हमने क्या किया, x माइनस टू को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस 3 ऊपर लिखा और ये आपके पास आंसर आया। फिर हमने माइनस करना है, माइनस के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस था माइनस कर देंगे, ये माइनस था प्लस कर देंगे, प्लस 3x में से माइनस 3x 0, माइनस और प्लस 0, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ रहा है आपके पास, ये दिस टर्म डिवाइड दिस टर्म, तो दिस टर्म को हम अंदर लिखेंगे और इसको बाहर लिखेंगे। अब यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब, अब हमने एक्स प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक्स क्यूब आए। तो आप देखें एक्स प्लस 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे एक्स प्लस 3 को एक्स क्यूब हमें चाहिए, एक्स की पावर 3 चाहिए और यहाँ पे तो एक्स की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो और होने चाहिए, तो हम एक्स स्क्वेयर से मल्टीपाई करेंगे। एक्स स्क्वेयर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 3 आ जाएगी, प्लस 3 1 3 एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 3 आ गई है, प्लस 3 एक्स स्क्वेयर। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास वेरिएबल आता है ना, आपने देखना है कि ऊपर वाले वेरिएबल के उसके जो पावर आती है उसी के नीचे लिखना है। यहाँ पे पहले एक्स क्यूब है तो हम इस टर्म को एक्स क्यूब टर्म के नीचे लिखेंगे और यहाँ पे प्लस 3 एक्स स्क्वेयर है, यानी कि हमने एक्स क्यूब टर्म के नीचे लिखना है। तो आप देखें यहाँ पे तो कोई एक्स क्यूब टर्म है ही नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको साइड पर लिख लिया, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं पर एक्स होता तो हम उसके नीचे लिखते, अगर नहीं है तो हम उसको साइड पर ही लिखेंगे। अब माइनस का प्रोसेस आ जाएगा, माइनस के लिए साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये माइनस 3 एक्स स्क्वेयर मैंने पहले लिख लिया। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि हम एक पावर सीक्वेंस से चलते हैं, ठीक है। ये पहले एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स की पावर 1 है और फिर क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो माइनस 3 एक्स स्क्वेयर मैंने पहले लिखा है, फिर माइनस 19 एक्स है, माइनस 30। अब हमने एक्स प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस 3 एक्स स्क्वेयर आए,
तो देखें x प्लस थ्री को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर आए, x की पावर टू आए और साथ माइनस थ्री भी चाहिए, तो हम माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस थ्री एक्स की पावर टू प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री ज़ार नाइन एक्स, तो हमने मल्टीप्लाई किया, आया हमारे पास माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन एक्स, और जिससे मल्टीप्लाई करना याद रखना है साथ साथ उसे ऊपर लिखते जाना, माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई किया हमने वो लिखा, अब हम साइन चेंज करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे, कटिंग पर हमारे पास आ गया माइनस टेन एक्स माइनस थर्टी। अब एक्स प्लस थ्री को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस टेन एक्स आए, तो एक्स प्लस थ्री को हम किस से मल्टीप्लाई करें, हम एक्स प्लस थ्री को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपके पास माइनस टेन से मल्टीप्लाई करने से आएगा, माइनस टेन एक्स प्लस माइनस माइनस टेन थ्री ज़ार थर्टी, तो हमने माइनस टेन से मल्टीप्लाई किया, ये अमाउंट आई, साइन चेंज किए, साइन चेंज पर दोनों वैल्यूज कर जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, और आंसर आपके पास ऊपर जो वैल्यू आती है ना, ये आपके पास आंसर होता है, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। अच्छा जी, उस पर हम लोग पार्ट थ्री की तरफ चलते हैं, पार्ट थ्री भी सेम एज इट इज़ है, एक्स की पावर फाइव माइनस वाई की पावर फाइव डिवाइड कर रहा है एक्स माइनस वाई को, तो आपने एक टर्म अंदर रखी, ये डिवाइड करा है तो इसका मतलब ये अंदर आएगी और ये वाली टर्म बाहर जाएगी। अब हमें देखना है कि एक्स माइनस वाई को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर फाइव आना चाहिए, तो देखिए एक्स माइनस वाई को किससे मल्टीप्लाई करें एक्स की पावर फाइव आए, यानी कि आपके पास पावर फाइव आनी चाहिए, तो हमारे पास तो पावर वन है, हमें फोर हो जाएंगे, तो हम एक्स की पावर फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स की पावर फाइव आएगी माइनस फिर एक्स की पावर फोर और वाई आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगी, फिर सेम वही काम किया, साइन चेंज किए, वैल्यू कटिंग की, फिर देखिए एक्स की पावर फाइव है ना, इसके बाद हमारे पास एक्स की पावर फोर होनी चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सीक्वेंस लिखा, मैंने एक्स की पावर फोर लिखा, वाई फिर माइनस वाई की पावर फाइव, फिर हमने देखना है एक्स माइनस वाई को किस से मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर फोर और वाई आए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर थ्री और वाई से, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई आ रहा है ना, एक्स माइनस वाई है ना, तो हमें चाहिए एक्स की पावर फोर वाई, तो यहाँ पे तो एक्स की पावर वन है, तो हम एक्स की पावर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तभी पावर फोर बनेगी, और साथ में वाई भी चाहिए हमें, तो हम वाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा एक्स की पावर फोर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर थ्री वाई की पावर वन, और वाई की पावर वन कितनी हो जाएगी, वाई की पावर टू आ जाएगी, ठीक है, हमने वो लिखा, ठीक है, फिर क्या किया, प्लस माइनस आपने क्या किया, साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद आपने इसको क्या किया, प्लस माइनस किया, उसके बाद वैल्यूज टर्म कैंसिल हो जाएगी, टर्म कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, जो बचेगी आपने फिर क्या करना है, सेम प्रोसेस वही करना है, आपने देखना है कि किस नंबर से हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सेम वही प्रोसेस करते जाएंगे, आपके पास लास्ट में रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, और आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, और नेक्स्ट आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर फोर, वो भी सेम एज इट इज़ है, ये टर्म डिवाइड कर गया, इस टर्म को हमने टर्म लिखी है बाहर लिखी है, अब हमने सेम वही प्रोसेस करना है कि आपने देखना है इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास एक्स की पावर थ्री आए, तो एक्स की पावर टू आएगी, ठीक है, सेम वही काम किया हमने, फिर उसके बाद क्या किया, सेम आपने साइन चेंज करना है, साइन चेंज करने के बाद आपने प्लस माइनस किया, उसके बाद सेम आपने क्या किया, वही प्रोसेस करने के बाद आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, आपके पास ऊपर आंसर आ जाएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है, फाइव भी एज इट इज़ है, सेम आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, इसका सबका क्वेश्चन मेथड सेम है बिल्कुल, आपने यह करना है, बस ध्यान रखना है कि आपने खुद से सोचना है कि आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपके पास फर्स्ट टर्म सेम आना चाहिए, ठीक है, हमारा फोकस फर्स्ट टर्म पे होना चाहिए, बाकी जो मर्जी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म सेम होती जाएगी हर हर क्वेश्चन की, देखिए हर टर्म में हर स्टेप में आपके पास फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, वो क्यों होगी, क्योंकि हम सेम इसीलिए करते हैं, हमने उसे कैंसिल करना होता है, कैंसिल करने के बाद हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो लिखते हैं, फिर हम वही प्रोसेस करते हैं कि आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि जिस नंबर से आपके फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए और लास्ट में आपकी सारी टर्म्स कैंसिल होकर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा और ऊपर आपका आंसर आ जाएगा, और आपके पास बाद में सिक्स क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ आ रहा है, आपने सेम वही डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म आपने सेम रखी है, फर्स्ट टर्म सेम रखने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा आपने वो लिखना होता है, ठीक है, फिर आपने सेम वही प्रोसेस करना होता है, आपने तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना होता है जब तक आपके पास सारे टर्म्स कैंसिल ना हो जाए और रिमाइंडर जीरो आ जाए, उस पर आपके पास ये ऊपर वाला टर्म ये जो आपके पास आता है ये आपके पास क्या होता है, इसका आंसर होता है, ठीक है। हाँ जी, ये थी आपकी एक्सरसाइज जो कि हमने इसमें डिवाइड वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया है, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर किया है एट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट किया है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर एट को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, अपनी नोटबुक्स के ऊपर।
ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।